ओम शांति। आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, मेहता जी तथा चौहान जी और हमारे अन्य साथी, सभा में उपस्थित यह कॉन्फ्रेंस के अंदर विविध स्थानों से आए हुए सभी डेलीगेट्स बहनों और भाइयों, और यह विश्वविद्यालय के भी बहनें और भाइयों, आज का ये शुभ दिन है कि आज ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है उसकी वैलिडिटरी सेशन भी है, और उसके अंदर हम एक्शन प्लान जो है उसके बारे में सोच रहे हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट होना जरूरी है, सर्वांगी विकास होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर साइंस अर्थात विज्ञान और आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी जो है इन दोनों के बीच में समन्वय हो जाए तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकती है, किंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि सिर्फ विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के समन्वय से होलिस्टिक डेवलपमेंट होना, संपूर्ण सर्वांगी विकास होना कठिन है, क्योंकि दुनिया के अंदर अनेक प्रकार की ब्रांचेस ऑफ नॉलेज है, अनेक डिपार्टमेंट्स है, अनेक फैकल्टीज है, अनेक प्रकार की कार्यशीलता या अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं भी हैं, और इन सभी व्यवस्थाओं के बीच में होलिस्टिक अप्रोच नहीं होगा तब तक कार्य संपूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त नहीं कर सकेगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स और एथिक्स दोनों भी अलग अलग ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर जो विद्यार्थी होते हैं उनको सिखाया जाता है कि आप जैसे भी चाहो वैसे कमाई कीजिए, आप जो भी कमाई करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर ही आपको करना है, और वही आपका मंत्र रहेगा। इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं हमारा एथिक्स के साथ कोई संबंध नहीं, और एथिक्स वाले कहते हैं कि नीति के आधार पर की हुई कमाई वही सच्ची कमाई है। तो इकोनॉमिक्स और एथिक्स के बीच में अगर ब्रिज नहीं है, बीच में समन्वय नहीं है, बीच में दोनों का होलिस्टिक अप्रोच नहीं होगा, तो क्या हो जाता है वो आज की दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि आज की दुनिया के अंदर इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है, उसके अंदर नीति आदि जो है उनसे बहुत दूर चला गया है। कार के अंदर भी एक आप देखते हैं, कार के अंदर कार चलानी होती है तो सभी उसके अंग जितने भी है, उसके जितने भी स्पेयर पार्ट्स है, सभी वर्किंग कंडीशंस में कंप्लीट परफेक्शन में होने ही चाहिए। अगर बाकी सब चीज़ें ठीक है किंतु कार के अंदर टायर में हवा नहीं होगी तो कार चल नहीं सकेंगी। अर्थात छोटी सी छोटी बात का भी सर्वांगी विकास के लिए ध्यान रखना पड़ता है, और यही विश्वविद्यालय कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि नई सदी जो आएंगी, अगली सदी जो आएंगी वो संपूर्ण सर्वांगी विकास की होंगी, और इसलिए उसके अंदर जो सभी प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं जो भी हैं वो सभी व्यवस्थाएं उनके अपने 100% जिसको हम सत्व प्रधान कहते हैं आध्यात्मिक शब्दों में, वो सत्व प्रधान स्वरूप में हर प्रकार की मैनेजमेंट और ये फैकल्टीज और ये जो डिपार्टमेंट्स जो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज जो है
वो रहेगा, तभी सर्वश्रेष्ठ सदी जो है, जिसको हम यहाँ पर सत्युग कहते हैं, वो सत्युग की दुनिया हो सकती है। तो इस प्रकार से हम सत्युग की दुनिया को एक होलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से, सर्वांगी विकास से, सभी ब्रांचेस की, सभी फैकल्टीज की और सभी डिपार्टमेंट्स की, इस प्रकार की चाहते हैं। और यही प्रयत्न, यही पुरुषार्थ यहाँ पर होता है। मुझे याद है यहाँ पर इसी बात के लिए एक अन्य वक्ता यहाँ अन्य कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, इन्होंने बताया बहुत सुंदर से यह विश्वविद्यालय का परिचय इन्होंने दिया हुआ था। इन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनाइटेड नेशंस, जिसके बारे में अभी अपने मोहन भाई ने भी आपको बताया कि यह विश्वविद्यालय वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रीत से कारोबार कर रहा है और वहाँ पर भी उनको बहुत अच्छी मान्यता मिली हुई है। तो वहाँ तो सिर्फ नेशंस नेशंस के बीच में ही प्रयत्न होता है और होलिस्टिक अप्रोच के बीच में आपस में जो भी झगड़े आदि जो भी है उसको समाधान करने का प्रयत्न होता है, परंतु यहाँ तो सभी फैकल्टी, सभी धर्मों के बीच में, सभी व्यवसायों के बीच में, सभी इस प्रकार के जो 14-15 हमने इसलिए विंग्स बनाई हुई, इन सभी विंग्स के बीच में और फिर इन सब की इंटरडिसिप्लिनरी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस जो हमारी फेब्रुवरी महीने में कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर हर विंग के बुला करके उनके साथ में 50-50, 60-60 डेलीगेट्स बैठ करके आपस में चर्चा करके कारोबार करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर, और इसका बहुत ज़रूरी फायदा भी है, हमने यहाँ पर यही प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर धर्म नेताओं के, साउथ के धर्म नेताओं की कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी। तो मुझे याद है हमने एक ही शहर के दो बड़े धर्म आत्माओं को बाजू बाजू में बिठाया, सोचा कि एक ही शहर से दोनों आए हुए हैं, आपस में जानते होंगे, एक दूसरे को पहचानते होंगे, तो अच्छी रीत से आपस में बातचीत करते होंगे तो अच्छा ही होगा। परंतु जब भाषण करने की बात आई तब एक दोनों में से एक ने, जो पहले जो वक्ता जो था, उसने कहा कि हम दोनों एक ही शहर के हैं और दोनों ही धर्मात्मा हैं, धर्म नेताएं भी हैं, और एक ही शहर के होते हुए आज पहली बार आपस में मिल रहे हैं। बात करने की तो बात ही छोड़ दो, परंतु पहली बार आपस में मिल रहे हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये हम आपस में जो मिले हैं, हमको मिलाने का श्रेय जो है ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को मिल रहा है। और इस प्रकार से साउथ के सभी धर्म नेताएं यहाँ आकर के आपस में मिल के गए। तो इसी प्रकार से सभी फैकल्टी, सभी धर्म के और सभी ब्रांचेस के ऑफ नॉलेज के, इस प्रकार से ये मिनी यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब मिलते हैं और ये सभी मिलजुल करके ये होलिस्टिक अप्रोच करें, तभी एक्शन प्लान जो है वो सही रूप में काम में आएगा। ये होलिस्टिक अप्रोच जो है वो बात कोई नई नहीं है, कई वर्षों से, कई सदियों से ये कार्य करने की प्रेरणा लोगों ने बताई हुई है, लिखी हुई है। भवभूति जिसने रामायण लिखा हुआ है, भवभूति साउथ के बहुत बड़े विद्वान हो गए, इन्होंने जो रामायण लिखा हुआ है उसके अंदर राम ने लक्ष्मण को कहा कि रावण अभी मृत्युशैया पर बैठा हुआ है, सोया हुआ है, तो आप जाओ और रावण की क्या इच्छाएं थी वो जान करके आओ। लक्ष्मण वहाँ जाते हैं लंका नगरी के अंदर और वहाँ जा कर के रावण से पूछते हैं कि तेरी क्या इच्छाएं हैं। रावण ने अपनी 3 इच्छाएं बताई, बहुत सुंदर इच्छाएं हैं, साइंटिफिक भी है तो आध्यात्मिक भी है। पहली इच्छा उसने बताई कि मुझे मृत्यु को पर विजय प्राप्त करना था, दुनिया में कोई मरे ही नहीं, मरना ही बंद हो जाए वो चाहता था। दूसरा उसने बताया कि मैं स्वर्ग और नर्क के बीच में एक सीढ़ी बनाना चाहता था, ताकि स्वर्ग से नर्क और नर्क से स्वर्ग आना जाना सहज हो जाए और स्वर्ग और नर्क के बीच में जो भेद है वो भेद दूर हो जाए। और तीसरा था, यही जो बात जो हम यहाँ सोच रहे हैं कि होलिस्टिक अप्रोच, कि इस प्रकार से धर्म और विज्ञान दोनों के बीच में इतना समन्वय हो जाए कि दोनों ही एक आपस में मिलजुल करके, एक साथ मिलजुल करके समाज के उत्कर्ष के लिए, वेलफेयर के लिए कारोबार करें। ये तो उस जमाने में, बहुभूति के जमाने में, रावण के जमाने की बातें उसने बताई। आज भी थोड़े साल पहले डेवोस के अंदर ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं वहाँ गया हुआ था, तो वहाँ डॉक्टर अल्फ्रेड होफमैन, जिन्होंने LSD ऐसे ड्रग का इन्वेंशन किया हुआ है, वह साइंटिस्ट भी है,
और रिटायर्ड एज ए चीफ ऑफ दिस सैंडोज, तो इन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा भी सही कि आपने अभी रिटायरमेंट होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने भी यही बात बताई कि अभी मैं चाहता हूँ कि मेटाफिजिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस, ये दोनों दे आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, इसको सिद्ध करने का मैं प्रयत्न करता हूँ, ताकि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के होलिस्टिक अप्रोच के आधार पर समाज का उत्कर्ष कल्याण होने का प्रयत्न हो सके। हमारी यहाँ उषा बहन ने क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी की बातें बताई, बहुत सुंदर इससे उन्होंने अपने विचार रखे। ऐसे ही पश्चिम के एक साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन और दूसरे मेस्लो है, उन्होंने भी एक दो बातें रखी हुई है कि दूसरी दो प्रकार की भी क्राइसिस जो है, एक तो क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, आज हमारे अस्तित्व की क्राइसिस है, हम जिंदा होंगे या नहीं रह सकेंगे ये एटॉमिक बॉम्ब आदि के कारण, तो हमारी जो क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस जो है, और दूसरी क्राइसिस ऑफ एलियनेशन जो है, हमारी जो श्रद्धा है, जो हमारी विचारधारा जो है, इन विचारधाराओं के अंदर भी इतनी कई बार, और उसमें भी खास करके कई ऐसे जो होते हैं उनके अंदर तो इतनी जड़ता होती है, फंडामेंटलिस्ट इतने बन जाते हैं कि परिणाम रूप अनेक प्रकार की समस्याएं ये खड़ी कर देते हैं। मैं उसी बात को यही इस प्रकार से कहता हूँ कि जो इस प्रकार का जो हमारा जो प्रदूषण जो है, हाँ, मेंटल जो प्रदूषण जो है, थॉट पोल्यूशन जो है, ये थॉट पोल्यूशन जो है वे हमारा इतना डेंजरस कभी कभी बन जाता है, इसके कारण हम वास्तविकता जो है और जिस प्रकार से विश्व में प्रोग्रेस हो रहा है उसको स्वीकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी कई ऐसे बहन भाई से हमारी मुलाकात होती है, हम समझते हैं कि वो भी इतना जितना धर्म के क्षेत्र में फंडामेंटलिस्ट जो है, आयतुल्ला खोमानी सिर्फ वहाँ पर ईरान के अंदर धर्म में नहीं होता है, आयतुल्ला खोमानी जैसे कि अन्य सभी ब्रांचेस में होता ही है, और उसी प्रकार से उनके साथ जब हम बात करते हैं तब वो कहते हैं हम आत्मा को नहीं मानेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे, इस प्रकार से पॉइंट ब्लैंक इस प्रकार की बातों को लेकर के करते हैं। और ये विश्वविद्यालय दोनों के बीच में समन्वय करने के लिए जिस प्रकार की आत्मा की, परमात्मा की और आध्यात्मिकता की डेफिनेशंस साइंटिफिक दृष्टिकोण से दुनिया के सामने रखने का प्रयत्न करता है, और जब ये बातें हम रखते हैं, मैंने आपको बताया डॉक्टर आल्फ्रेड होफमैन को भी, वो भी पहले कहते थे मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ, फिर हमने जब ये बातें बताई कि यहाँ पर किस प्रकार से आत्मा को माना जाता है, तब उसने कहा ये बात तो बहुत सहज है, इसके आधार पर तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना और आध्यात्मिकता को स्वीकार करना बहुत सहज हो जाएगा। और हमने ये भी कहा कि आज के विज्ञान का ये जो लक्ष्य जो है, बाकी सब प्रकार की ऊर्जाएं, शक्तियां जो है उसकी डेवलपमेंट करने का प्रयत्न करता है, हम तो ये कहते हैं कि आध्यात्मिकता ये भी एक शक्ति है, ये भी एक ऊर्जा है, जैसे सोलर एनर्जी जो है उसके बारे में आप लोग मेहनत करते हैं, इस प्रकार से सोल एज एन एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, और सोल के आधार, शक्ति के आधार पर सोल की शक्ति, आत्मा की शक्ति, मनोबल की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, इस प्रकार की शक्तियां जो है उसके उत्कर्ष, उसका डेवलपमेंट करने का प्लान होना चाहिए, कारण कि जैसे मैंने आपको बताया क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और क्राइसिस ऑफ एलियनेशन के रूप में ये सारी समस्याएं दुनिया के सामने हैं, तो उसी समय पर जब क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस हमारे सामने है तब तो हमें इस प्रकार से होलिस्टिक अप्रोच ला करके दुनिया के कारोबार में और विश्व के कारोबार में सोचना भी चाहिए। साथ साथ होलिस्टिक अप्रोच के साथ साथ दूसरा ये भी होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ी त्याग और तपस्या की भावनाएं भी होनी चाहिए, सिर्फ स्वार्थ की भावना या अन्य और प्रकार की भावना के बदले में थोड़ी त्याग और तपस्या की भावना होनी चाहिए। जब तक वो नहीं है तब तक जितना भी हम कार्य करेंगे वो कारोबार, हाँ, सिर्फ पैसे के आधार पर ये सारा ही अप्रोच नहीं हो सकता है। मुझे याद है यूनाइटेड नेशंस के अंदर वहाँ पर खर्च के बारे में, खर्च कम होना चाहिए इसके बारे में एक मीटिंग हो रही थी, इन्होंने एक स्पेशल मीटिंग सभी ऑफिसर्स की बुलाई और उसमें टॉपिक था कि खर्च कम करने के लिए जो मीटिंग के अंदर सबको पानी पिलाया जाता है और पानी पिलाने के लिए जो वहाँ पर काम करने वाले जो होते हैं वो काम करने, पानी पिलाया नहीं जाए तो ताकि उनको जो पानी पिलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको पगार नहीं दिया जाए, तो पगार नहीं देना पड़ेगा, ओवर टाइम नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए उन्होंने मीटिंग किया।
3 घंटे तक वो मीटिंग चलती रही, क्योंकि आप जानते हैं बुद्धिमान लोगों की विशेषता ये होती है कि 6 बुद्धिमान अगर एक कमरे में बैठकर के विचार करते हैं तो 6 बुद्धिमानों का निष्कर्ष जो होता है वो 7 होता है, 1 नहीं होता है। तो उस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस की उस मीटिंग में 3 घंटे तक मीटिंग चलती रही परंतु कोई फैसला नहीं हुआ। आखिर एक वक्ता ने कहा कि ये 3 घंटे की जो मीटिंग का जो ओवर टाइम का जो खर्चा है उसका खर्चा जो है, अगर हमने पानी पिलाना बंद किया होता 3 साल तक तो 3 साल तक पानी पिलाने का जितना खर्चा आता है उतना ये 3 घंटे की ओवर टाइम की मीटिंग में होगा। इस प्रकार से जब ऐसी बातें होती है तब क्या होता है, इस स्वार्थ के हिसाब से, स्वार्थ का जब मापदंड होता है तब होलिस्टिक डेवलपमेंट भी नहीं हो सकती है। तो ये विश्वविद्यालय अपने कारोबार के अंदर, ये जो कारोबार जो है उसके अंदर त्याग तपस्या, और त्याग और तपस्या के अंदर उसके लिए जैसे गीता बहन ने बताया कि योग की साधना जरूरी है, वही होना चाहिए। मेरे बाजू में चौहान जी बैठे हुए थे तो उनको देख करके मुझे ख्याल में आया कि यहाँ पर SB चौहान जो महाराष्ट्र के पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रहे थे, या चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए थे और बाद में होम मिनिस्टर भी बने, और बाद में यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री के उसकी कमिटी जो है पार्लियामेंट की, उसके चेयरमैन के रूप में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सब यहाँ आए हुए थे। तो चौहान जी ने भी यहाँ पर आकर के हमारा जो ऊपर का ज्ञान सरोवर देखा, उसका कारोबार देखा, हमारा स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर जहाँ रिसर्च जिसमें आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों के बीच में समन्वय करके हम प्रयत्न करते हैं, वो सारा देखा। और उसके बाद शाम को अपना फंक्शन में अपने विचार बताने में यही बात कही कि मुझे, मैं विश्वविद्यालय को काफ़ी समय से जानता हूँ और उसके अंदर आपके यहाँ जो ये जो होलिस्टिक अप्रोच जो है, जो विज्ञान और ज्ञान दोनों को समन्वय करके जो आपके यहाँ कारोबार करता चलता है। उन्होंने कहा कि मैं अनेक संस्थाओं में गया हुआ हूँ परंतु सब जगह पर धर्म होंगी, धर्म की बातें होंगी तो धर्म की ही बात चलेंगी, विज्ञान की जहाँ होंगी बातें तो वहाँ विज्ञान की ही बातें होंगी, परंतु आपके यहाँ दोनों ही मिलजुल करके कार्य कैसे करें उसके बारे में आप यहाँ पर प्रयत्न करते हैं। आपके सामने उषा जी ने जापान की जो 100 मंकीज थियोरी जो है वो आपने सुनी कि कैसे, मतलब 100 बंदर अगर सीख जाते हैं एक बात को कि आलू को धो करके खाने से और ही इसका टेस्ट अच्छा होता है तो सारी दुनिया के बंदर सीख सकते हैं। वो तो बंदर की थियोरी विज्ञान के क्षेत्र की है। आध्यात्मिक क्षेत्र में विवेकानंद की थियोरी है। विवेकानंद ने शिकागो की कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गिव मी 100 नचिकेतास एंड आई विल चेंज द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से वहाँ 100 बंदर विज्ञान के और आध्यात्मिकता के 100 नचिकेता, अगर वो दोनों मिल जाए तो बहुत ही सुंदर परिणाम हो सकता है। परंतु यहाँ तो जैसे मोहन भाई ने अपने रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो 1500 जितने डेलीगेट्स यहाँ आए हुए हैं और आप सब ने बहुत ही सुंदर इससे उस रेजोल्यूशन को अनुमोदन भी किया। तो इतने जो डेलीगेट्स जो यहाँ आए हुए हैं हम सब एक मत से, जैसे हाथ अभी इस प्रकार से खड़ा किया और एक मत से रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया, उसी प्रकार से ये होलिस्टिक अप्रोच जो है अपने जीवन के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर और दुनिया की सभी फैकल्टीज और सभी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज जो है उसके बीच में इस प्रकार का होलिस्टिक अप्रोच लाने का प्रयत्न करें तो अनेक प्रकार की जो क्राइसिस जो है, अनेक प्रकार की समस्याएँ जो है, अनेक प्रकार के जो फंडामेंटलिजम्स जो है वो सब दूर हो जाए और एक दूसरे की बात को समझ करके, एक दूसरे की बात को रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट, इस प्रकार की बात को लेकर के अगर हम कारोबार करें तो बहुत ही सुंदर इससे हो सकता है। तो आज की कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर जो रेजोल्यूशन जो मोहन भाई ने और मेहता साहब ने उसको अनुमोदन किया और आप सब ने पारित किया, मैं भी दिल से उस रेजोल्यूशन को स्वीकार करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हम सब मिलजुल करके ऐसा ही होलिस्टिक अप्रोच जीवन के अंदर हर कार्य में अपनाएंगे तो जीवन और उसके कारण दुनिया श्रेष्ठ जरूर हो जाएंगी। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है।
तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।
शांति।